हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल एज अ मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, अभी मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है और उसका ये बर्थडे वीक चल रहा है, तो हम लोग इसके बर्थडे वीक के लिए हमने काफी कुछ प्रिपरेशन कर रखी हुई है। तो अभी हम तो एक एक करके इसको सरप्राइज दे रहे हैं। तो कल हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं। छोटे से थोड़ा कुछ थोड़ा सामान लेके जाऊंगी और मैं अपने दोनों बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम पिकनिक पे जा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे काफी छोटे हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है पिकनिक पे। और जो सामान मैं लेके जाने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चों के साथ आप क्या पिकनिक पे रख सकते हो, क्या क्या चीजें आगे बढ़ अवेलेबल होनी चाहिए पिकनिक स्पॉट पे जाने के लिए। वैसे तो मैं बता दूँ आपको कि हम लोग वहाँ, वैसे तो हम लोग जू जा रहे हैं पर वहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, तो वहाँ पे हम छोटी सी पिकनिक भी कर लेंगे, जिससे कि बच्चे काफी ज्यादा हैप्पी फील करेंगे और काफी ज्यादा मजा भी आएगा और इसके बर्थडे की इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाए। सो गाइस, मैंने पिकनिक के लिए बनाया था बच्चों के लिए बनाना ब्रेड्स, जो मैंने हर्षिक की चॉकलेट से मैंने बच्चों के लिए बनाना ब्रेड बनाई थी और वो मैंने कुछ स्पीसीज करके रखी थी। साथ में हम लोगों ने अपने लिए बनाया था वेजिटेबल वाले सैंडविचेस, खीरे टमाटर के सिंपल सैंडविच बनाए थे। साथ में मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए रखा था पॉपकॉर्न एंड वन दो तरह के जूस रखे थे, लीची का और एक अनार का जूस रखा था। इसके अलावा मैंने रखे थे दो केले दोनों बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने इसके अलावा दो केले रखे थे। प्लस आप देख सकते हैं मैंने एक चिप्स का पैकेट भी रखा था मैंने छोटा सा, और चिप्स थोड़ा सा मैंने होममेड बना रखे थे, वो मैंने इस तरह से पैकअप कर दिया था उसको मैंने, तो होममेड चिप्स वगैरह थे। साथ में मैंने एक बच्चों के लिए एक प्लेट रखी थी, क्योंकि मुझे डिस्पोजेबल वाली में कहीं वो लोग खाते हुए कहीं गिरा ना दें, इसलिए मैंने प्लेट्स भी रखी थी, गिलास भी रखा था। प्लस आप इसमें का बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने साथ में एक कूड़ा फेंकने के लिए एक कैरी बैग ज़रूर लेके जाएं, इधर उधर कूड़ा मत फैलाएं। इसके लिए मैंने एक डस्टबिन वाली पन्नी भी रखी थी साथ में अलग से, ताकि बच्चे कूड़ा वगैरह उसी में ही हम डालें। तो इस तरह से मैंने कुछ छोटा सा एक पिकनिक वाला हैम्पर बना रखा हुआ था, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इसको देख के। तो पापा है सो गाइस, हम लोग निकल चुके थे, आपको पीछे देखा ही होगा हम सब बेसमेंट पे थे, तो मैंने ज़्यादा बात नहीं करी। तो अभी हमारे घर से जो जू का जो एरिया है करीब करीब आधा पौन घंटे का रास्ता है, और काफ़ी बीच रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह रहती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो विद इन हम कुछ 15 से 20-25 मिनट के अंदर हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो चलिए आप हमारे साथ में इंजॉय करिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम वहाँ पहुँच चुके हैं और बस हम लोग मेरे हस्बैंड टिकट के लेने गए थे, टिकट के लाइन में खड़े हुए थे क्योंकि जू में अलग से बच्चों की भी अलग से टिकट लगती है वहाँ पे। तो बस देखिए वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, गुड़िया को हम कैरी साइकिल लेके आए थे ताकि वो कैरी साइकिल को आराम से हमें कूदी में कैरी ना करना पड़े उसको। डायनासोर वाली गुफा है, लेजेंड करूं है ना, फिर डायनो गुफा केव है, केव भाग रही हो पहले ही हंस रहा तुम्हारे ऊपर। आप सबको गाइस पता होगा कि जू में बहुत चलना पड़ता है, तो हम लोग थक गए थे, तो बस हम लोग बीच में रुक गए थे थोड़ा सा बैठने के लिए।
तो मैंने अपनी बेबी के लिए आई दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम, दोनों बच्चों आइसक्रीम की जिसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी। फिर उसके बाद खाने के बाद मेरा खाना काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था आइसक्रीम, क्योंकि धूप से धूप में एकदम खाना खा लो तो मेरा नॉर्मल से ज़्यादा खराब हो जाता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सांप देखने के लिए। तो हाय गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा हमारे जू के व्लॉग को। अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जब रेन आती है ना तो पीकॉक के अपना जो पीछे के पर होते हैं ना, ऐसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या खा रही है बेबी? सो गाइस, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई जो आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा सेल्फ ऑन योर फेथ ऑन योर ड्रीम्स ऑन योर माइंड ऑन योर हेल्थ या काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। वर्क नेवर टेल, कीप योर हेड डाउन, फाइंड व्हाट यू लव एंड एक्सेल या पुश एंड पुल एंड रिपेल एनी हेट, गो क्रिएट व्हाट यू वांट, फील कंपेल्ड या I want to finally get a taste of the race. You'll never look back once you felt that. Don't let somebody tell you.